मेरे पास जो अगली वेबसाइट है hmearn.com, मैं बताता हूँ इसमें गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे देगा। क्योंकि देखो कई लोग होता क्या है, एडसेंस अप्रूवल के लिए ना आर्टिकल्स भी अच्छा होना चाहिए, और ऐसे आर्टिकल्स लिखो जो आर्टिकल्स बाकी में यहाँ पर प्रिवेसी पॉलिसी को, यहाँ पर जो गूगल की प्रिवेसी पॉलिसी है उसका अजेंस्ट ना हो, उसका यहाँ पर कोई गलत ना हो, तो उस तरह के आर्टिकल्स आपका होनी चाहिए, तब जाकर अप्रूवल देती है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है आर्टिकल्स से, तो मैं बता देता हूँ, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो लेकिन वैसे आर्टिकल लिख रहे हो जो आर्टिकल्स जैसे MPL वगैरह होता है या फिर कई गेमिंग वगैरह यहाँ पर ऐसा रेफरिंग वगैरह होता है एप्लीकेशन उसके बारे में लिख रहे हो और उस चीज को पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, कहीं से यहां पर जुगाड़ करके डाउनलोड करना पड़ता है या फिर कहीं से यहां पर व्यवस्था करना पड़ता है, तो यार वैसा आर्टिकल्स अगर लिखोगे तो भाई उसमें दिक्कत होगा और एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा, बार बार आपको रिजेक्टेड भी मिलेगा और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। जैसे कि यहां पर देख सकते हो, यहां पर देखो ये जो बंदा है ये भाई आउटसाइड यहां से है, इंडिया से आउटसाइड से है। जैसे कि यहां पर एक आर्टिकल लिख रहा है यहां पर फेलरी ऐप के बारे में, तो फेरी ऐप के बारे में अगर ये पब्लिकली अवेलेबल है, फेलरी ऐप वास्तव में प्ले स्टोर में है जैसे पाकिस्तान का है, तो यार पाकिस्तान में बाकी में यहाँ पर अवेलेबल है, तो इजीली आप इसके बारे में लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ से दिक्कत हो सकती है एडसेंस अप्रूवल होने के लिए। मैं कई लोगों को यहाँ पर ये देखा हूँ कि एडसेंस अप्रूवल इसी कारण रिजेक्टेड होता है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऐप है, जो कौन से ऐप के बारे में रिव्यू कर रहे हो, जैसे रेफरिंग ऐप के बारे में रिव्यू करो वास्तु में वो ऐप यहाँ पर रिजेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर कहीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डाउनलोड करना पड़ रहा है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आसानी से आप लोग समझ रहे हो। इतना करने के बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, अप्रूवल हो जाएगा, जो जो उस तरह के आर्टिकल्स उसको ड्राफ्ट में डाल दो, एडसेंस के लिए अप्लाई करो, अप्रूवल हो जाएगा। बाकी आपके वेबसाइट में सारा चीज सही है, मैंने चेक किया, एडसेंस अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। गाइस अगली जो वेबसाइट है webboxo.com, ये वेबसाइट रीच नहीं हो रही, तो भाई कैसे मैं चेक करूं, तो इस वेबसाइट यूजर को मैं यही बोलूंगा कि भाई आप वेबसाइट को एक बार यहां रीडायरेक्ट करवाओ, रीच करवाओ, दोनों को कनेक्ट करो, होस्टिंग और डोमेन को, या फिर ब्लॉगर से आपने अगर रीडायरेक्ट को हटा दिया तो उसको कनेक्ट करो, उसके बाद यहां पर रीडायरेक्ट होगा और वेबसाइट ओपन होगा। अब जो गाइस अगली वेबसाइट है educationpolicy20.blogspot.com पे, तो देखो यार इस तरह के वेबसाइट कैसे अप्रूव होगा, ना इसमें आर्टिकल सही है, ना इसमें देखोगे टेम्पलेट भी सही है, इस तरह से देखो टेम्पलेट है, तो भाई आपको अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा, हर एक चीज़ को लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको आर्टिकल नहीं लिखने आता है, ब्लॉगिंग के फील्ड में जीरो हो, तो आप मेरे यहाँ पर चैनल पर, और मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये वाला प्लेलिस्ट जाकर देखो, ब्लॉगर फुल कोर्स बिल्कुल फ्री है, ये जाकर चेक करो, आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझाया जाएगा। क्योंकि आपको ब्लॉगिंग करने से पहले आपको ब्लॉगिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर ब्लॉगिंग कर सकते हो, और उसमें आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, कैसे यहाँ पर टेम्पलेट लगाते हैं, कैसे उसको कस्टमाइज करते हैं, सारा चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया, बिल्कुल बिगनर से सिखाया, तो आप जाकर चेक करो, तब जाकर वेबसाइट बनाकर मुझे सेंड करो अगर आपको यहाँ पर पूरा दिक्कत होती है कोई वेबसाइट बनाने में। अगले जो गाइस वेबसाइट है tops10.in, इसमें मैं बता दूं क्या दिक्कत है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ऊपर में नेविगेशन बार है उसको और बड़ा करो, और नेविगेशन बार में हर एक कैटेगरी को ऐड करो, जैसे यहाँ पर जितने भी आपने कैटेगरी बना रखे हैं, जितने भी पेजेस वगैरह बना रखे हैं उसको ऐड करो, उसके बाद पेजेस में और भी ऐड करो, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब पेजेस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये सब आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे में आप देखोगे जिस तरह से आपने नीचे बना रखा ऊपर में भी बनाना पड़ेगा, और जो भी आर्टिकल्स लिख रहे हो किसी एक आर्टिकल्स के ऊपर में वर्क करो, जैसे एक्टर के बारे में लिख रहा हो तो या भी गेम के बारे में, करेंसी के बारे में, इस तरह से आपको लिखो, मेक मनी को एक ही यहाँ पर टॉपिक के ऊपर चूज करो और लगातार उसी पर आर्टिकल लिखो, अप्रूवल जल्दी होगा। भाई मैंने यहाँ पर कई लोगों को अप्रूव करवाया है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से बता रहा हूँ, तब जाकर जल्दी अप्रूवल अगर आप चाहते हो तो हो सकता है। और इतना सारा जो आपने कैटेगरी बना रखा है भाई, कैटेगरी किसी एक ही पर काम करो तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो हर एक कैटेगरी में एक एक आपने आर्टिकल्स डाल रखा है, तो अभी के लिए वर्क कर रहे हो यहाँ पर छोटा छोटा वर्क करो, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वर्क करो, जैसे अप्रूवल हो जाता है उसके बाद आप यहाँ से आप दूसरे शिफ्ट कर सकते हो किसी भी कैटेगरी में, ताकि आपको एडसेंस से अर्निंग भी हो सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको डोमेन और होस्टिंग लेने की जरूरत है, वर्डप्रेस के ऊपर में शिफ्ट होना चाहते हो, तो यहाँ से देखो कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में चले आना है, जैसे क्लिक करोगे इस तरह से होस्टिंगर का पेज खुल जाएगा। यहाँ से अगर मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक से लोगे, सबसे बड़े बेनिफिट होगा कि आपको जो भी दिक्कत होगी वो मैं यहाँ पर बताऊंगा, जैसे एडसेंस से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत होगा, जैसे डोमेन होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे यहाँ पर लेआउट को बनाना है, एडसेंस फ्रेंडली कैसे आपको वेबसाइट बनाना है ताकि एडसेंस अप्रूवल हो सके, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा अगर आप मेरे लिंक थ्रू लेते हो। क्योंकि लिंक थ्रू लोगे डायरेक्ट मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करना कि भाई मैंने आपके लिंक थ्रू लिया है, आप मुझे गाइड करो, मैं पूरा 100% सबको गाइड करता हूं, तो आपको भी गाइड करूंगा मेरे लिंक थ्रू लेना है। उसके बाद देखोगे कोई भी प्लान ले सकते हो, अगर बिगनर हो तो 149 रुपया पर मंथ लो, क्योंकि इसमें 100 वेबसाइट भी रन कर सकते हो और फ्री आपको यहां पर डोमेन भी दिया जाएगा, जिससे अलग से लेने की जरूरत नहीं है, top.com या .in.net.org जो भी आपको क्लेम करना है, .in 100% फुल सपोर्ट करूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जाकर जरूर चेकअप करो, एक बार आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाकर चेक करो। जो गाइस अगली वेबसाइट है badnamchhora.blogspot.com, इसने यहाँ पर डोमेन नेम थोड़ा सा अलग टिप के लिया है, तो यार देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोमेन आपको अच्छी लेनी चाहिए जिसमें यहाँ पर हमेशा किसी कीवर्ड को ऊपर में टारगेट हो, लेकिन कोई नहीं आपकी पसंद हो तो अच्छे होगा यार। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको आर्टिकल्स तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि आर्टिकल को ही एडसेंस चाहिए, सबसे ज्यादा डिमांड होता है आर्टिकल्स का, डोमेन आप जो भी ले सकते हो। तो देखो आर्टिकल्स में आपने जो भी आर्टिकल्स
देख लो बिल्कुल यहाँ पर यूनिक नहीं है, ये बिल्कुल प्लेगरिज्म आर्टिकल है, कहीं से आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया हो भले, लेकिन वो ऐसे आर्टिकल लिख रहे हो जो ऑलरेडी गूगल में बहुत सारा पड़ा हुआ है इंटरनेट में, तो आर्टिकल्स आपको यूनिक डालना पड़ेगा। ऊपर से आपको जो भी टेम्पलेट लगा रहा हो टेम्पलेट को भी यूनिक डालना पड़ेगा। देखोगे टेम्पलेट के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, ये वाला वीडियो जाकर चेक करो और अच्छे टेम्पलेट लगाओ एडसेंस के लिए, तब रेडी होगा, उसके बाद वेबसाइट अप्रूव होगा। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में सबमिट ही नहीं है, तो भाई सबमिट नहीं है तो गूगल को कैसे पता लगेगा कि आपका भी एक वेबसाइट है इंटरनेट पर मौजूद है, तो आपके आर्टिकल्स को दिखाएगा कैसे दिखाएगा, तो यार ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करो गूगल सर्च कंसोल वेबसाइट सबमिट कैसे करें संदीप ब्लॉगिंग टिप्स, मेरा वीडियो आ जाएगा, जाकर चेक कर लेना, मैंने अच्छी अच्छे से सिखाया है स्टेप बाय स्टेप, जाकर वहां से सबमिट कर देना। अगले जो वेबसाइट है ट्रेंडिंग सेलिब्रेट्स डॉट इन, ये सेलिब्रिटी वगैरह का बायोग्राफी वेबसाइट है, जो भी यहाँ पर सेलिब्रिटी होते हैं नए नया पॉलिटिशियन होते हैं ये सब का वेबसाइट है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं ये सब का वेबसाइट, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस तरह के वेबसाइट में भी एडसेंस अप्रूव होता है। बट मैं एक चीज़ कहूँगा कि वेबसाइट में ना ऐसे ऐसे आप आर्टिकल डालो ना जो आर्टिकल्स ऑलरेडी, जैसे नए नए एक्टर के बारे में डालो, जो नए नए एक्टर जिसके बारे में बायोग्राफी कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो उस तरह के आर्टिकल डालोगे तो एडसेंस अप्रूवल थोड़ा जल्दी देगा। यहाँ पर देखोगे आर्टिकल्स आपको 23 यहाँ पर इंडेक्स दिखा रहे हैं, बट यहाँ पर 5 पेजेस को छोड़ दो तो यार आपको यहाँ पर 18 आर्टिकल्स है, बाकी में आपको आर्टिकल्स और भी लिखना पड़ेगा, मिनिमम आपको 40 प्लस आर्टिकल डालना पड़ेगा एडसेंस अप्रूवल होने के लिए। उसके बाद सभी आर्टिकल्स को इंडेक्स कराना पड़ेगा, मैनुअली हो सके तो मैनुअली इंडेक्स कराओ, या फिर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर प्लगिंग यूज करो और मैनुअली इंडेक्स करवा के एडसेंस के लिए भेजो, अप्रूवल इजिली इसमें मिल जाएगा। बायोग्राफी वेबसाइट इजिली अप्रूव मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जो गाइस अगली वेबसाइट है bgmiredeemcode.in, ये जो जितना भी bgmi से रिलेटेड कोड वगैरह होता है वो यहाँ पर बिल्कुल ही इस तरह से रिव्यू किया जाता है, तो इस तरह के वेबसाइट भी एडसेंस अप्रूव होते हैं। बट इसमें यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि थोड़ा सा कैटेगरी और ऐड करो और उससे रिलेटेड पोस्ट लिखो और जो भी आर्टिकल्स लिखो उसको मैनुअली इंडेक्स करवाओ। देखो 9 आर्टिकल्स है तो भाई 9 आर्टिकल्स पर भी कभी भी अप्रूवल नहीं देगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स डालना पड़ेगा और यूनिक आर्टिकल्स होना चाहिए, बिल्कुल आपको यूनिक 100% दे लो और हमेशा जो भी आर्टिकल्स डालो उसको यहाँ पर कोशिश करो कि यार 2000 वर्ड्स से ऊपर हो, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर कॉम्पिटिशन बढ़ गया है एडसेंस से रिगार्डिंग, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ने से यहाँ पर आपको 2000 से 3000 वर्ड का आर्टिकल डालोगे तो अप्रूवल होने का चांस जल्दी हो जाएगा। अब जो गाइस अगली वेबसाइट है entertainmentdaily.com, देखो ये मूवी रिव्यू वेबसाइट है, जितने भी नए नए मूवीज वगैरह होता है वो इससे रिव्यू किया जाता है, इसमें जो भी आर्टिकल्स के माध्यम से रिव्यू किया जाता है, तो इस तरह की वेबसाइट ना एडसेंस अप्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कोशिश ये करो कि उस तरह का मूवी रिव्यू करो जो बाकी में यहाँ पर पब्लिकली अवेलेबल हो, जो यहाँ पर आने वाला हो उस तरह का रिव्यू करो, ऐसा नहीं रिव्यू करो कि यार जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसे बैन कर रखा है और उसको रिव्यू कर रहे हो, तो ऐसा से थोड़ा सा बचो और बाकी एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर देखो 85 टोटल पोस्ट है, तो यार इजीली आपको एडसेंस अप्रूव हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। हालांकि इस भाई ने बहुत दिन से मुझे कॉन्टेक्ट किया है, बट यार बहुत सारे वेबसाइट आते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर चेक करना पड़ता है, तो थोड़ा सा समय लगाना होता है, उसके बाद सभी को मैं चेक कर रहा हूँ, तो यार देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अप्रूवल हो जाएगा और अप्रूवल होने के बाद इसमें अच्छे अच्छे ऐड लगाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर अच्छे रेवेन्यू जनरेट होगा। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक लाओ और आर्टिकल्स लिखते रहो, अप्रूवल इसमें इजिली हो जाएगा। और हमेशा ध्यान दे, हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान देना, जब भी एडसेंस के लिए भेजो तो आपको हमेशा आर्टिकल्स को अपडेटेड रखना है, यानी कि डेली आर्टिकल्स डालते रहना है, उसके बाद अप्रूवल हो जाएगा। अगली जो वेबसाइट है देख सकते हो blogspot.com पे है, मैं बता देता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। सबसे पहले देखोगे तो आर्टिकल्स आपको सही लिखना पड़ेगा, देखो इस तरह के आर्टिकल्स लिख रहे हो तो यार अप्रूवल नहीं होगा, देखो इस तरह के आर्टिकल लिख रहे हो आपको अप्रूवल नहीं होगा, आपको आर्टिकल्स के लिए आप अच्छे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना पड़ेगा। और यहाँ देख सकते हो आर्टिकल्स के साथ आपका आर्टिकल लेंथ भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल का लेंथ भी यहाँ पर मैटर करता है अप्रूवल होने में। और हमेशा ध्यान दें कि हमेशा आर्टिकल लिखने के बाद इमेजेस वगैरह लगाएं, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखें, अगर नहीं लिखने आता है तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स कैसे लिखें, संदीप ब्लॉगिंग टिप्स में वीडियो आ जाएगा, वो देखकर आपको आर्टिकल लिखना है, उसके बाद अप्रूवल के लिए ट्राई करना है। जो गाइस अगली वेबसाइट है beautysport110.blogspot.com, सबसे पहले मैं बता दूं आर्टिकल्स लिखने के बाद वेबसाइट को इंडेक्स कराना होता है गूगल को, ताकि गूगल को ये बताओ कि हमारा वेबसाइट भी इंटरनेट पर मौजूद, जिसका आर्टिकल्स को ऑटोमेटिक वो इंडेक्स करवाएगा। यहां से देख सकते हो सिर्फ 9 आर्टिकल्स, सिर्फ 3 आर्टिकल्स ही इंडेक्स है, 3 आर्टिकल्स नहीं कर सकते, जैसे होम पेज हो गया, साइट मैप हो गया और 1 आर्टिकल्स इंडेक्स है, तो आर्टिकल्स क्यों इंडेक्स कराओ उसके बाद अप्रूवल के लिए ट्राई करो। और मेन बात यह वेबसाइट में किसी भी तरह का आर्टिकल्स यहां पर लिखा ही नहीं गया है 2023 में, तो यार आर्टिकल्स अपडेटेड करो, हमेशा आर्टिकल्स डेली लिखो, तब जाकर अप्रूवल होगा। अगले जो गाइस वेबसाइट है coininsight.online, मैं बता दूं कि सबसे पहले एडसेंस का ऐड से पहले दूसरे नेटवर्क को ऐड लगाते हो तो एडसेंस कभी भी अप्रूव नहीं देता है, तो एडसेंस का ऐड बंद करो सबसे पहले, एडसेंस का ऐड लगने के बाद आप दूसरे एडवर्टाइजमेंट का ऐड लगा सकते हो। बाकी आर्टिकल्स आपका सही है, लेकिन आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखने का तरीका नहीं मालूम है, जैसे क्रिप्टो करेंसी इज ए गुड इन्वेस्टमेंट इस तरह के आर्टिकल लिख रहे हो तो यार ऐसा नहीं लिखना होता है, आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से टाइटल डालना होता है, उसमें मेटा टैग लिखना होता है, सर्च डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स बनाना होता है। सबसे पहले आपको जो थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट है उसको हटाओ,
उसके बाद एडसेंस के लिए ट्राई करो, अप्रूवल होगा। सबसे आर्टिकल्स भी आपको सही करना पड़ेगा अगर एडसेंस से अप्रूव करवाना चाहते हो। अब जो गाइस अगली वेबसाइट है देखो मार्क कंप्यूटर elearn.blogspot.com। मैं बता दूं कि इसमें एडसेंस का एड तभी आपको चलेगा जब आपको यहाँ पर अच्छे से आर्टिकल्स को सबमिट करना पड़ेगा एडसेंस के लिए। एडसेंस से पहले आपको गूगल में सबमिट करना पड़ेगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पर होम का पेज सिर्फ इंडेक्स है, तो सारा पेजेस वगैरह इंडेक्स कराना पड़ेगा, सारा आर्टिकल्स इंडेक्स कराना पड़ेगा, तब जाकर एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे, तब जाकर अप्रूवल होगा। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सर्च कंसोल में जाकर साइट मैप को अपडेट करो, साइट मैप लगाओ। कैसे लगाना है अगर आपको नहीं पता है तो यार जाकर यूट्यूब पर सर्च करो साइट मैप कैसे बनाए संदीप ब्लॉगिंग टिप्स, मेरा वीडियो आ जाएगा, वो जाकर देखो, उसके बाद अप्लाई करो एडसेंस के लिए, तभी अप्रूवल होगा। नहीं तो आप ऐसे करते रहोगे तो भाई दिक्कत हो सकता है। अपने एफिलिएट का यहाँ पर देखो बैनर भी लगा रखा है, तो ये सब आपको पहले करने की जरूरत नहीं है। और आर्टिकल सही डालो, जैसे इस तरह का आर्टिकल डालो कंप्यूटर जनरेशन, तो यार एक आर्टिकल नहीं हुआ, इसका एक यहाँ पर कीवर्ड होता है, इसका एक अच्छे तरह से टाइटल बनाना होता है, तब जाकर यहाँ पर। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो जाकर सर्च करो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स कैसे लिखे संदीप ब्लॉगिंग टिप्स, उस तरह का वीडियो आ जाएगा। मैंने यहाँ पर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखाया है जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक ब्लॉगर के ऊपर में, तो जाकर आप एक बार वीडियो जरूर चेकअप करो, सारा चीज़ आपको डाउट क्लियर हो जाएगा और हमेशा आपको अच्छे आर्टिकल सीखना पड़ेगा। अब जो गाइस अगली वेबसाइट है cricketgyan.in, मैं बता दूं इस वेबसाइट को ऑलरेडी एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रूवल हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। अगर अप्रूवल होगा तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप जरूर बताना कि आपका एडसेंस अप्रूव हो गया, मैंने जो भी चीज़ बताया था। जिस तरह से आप टाइम टू टाइम आर्टिकल लिखते जा रहे हो, आप डेली अपडेटेड करो आर्टिकल, उसके बाद एडसेंस के लिए ट्राई करो, अप्रूवल इजीली इसमें हो जाएगा, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी, तो अप्रूवल हो जाएगा भाई। जिसको यहाँ पर डोमेन और होस्टिंग लेना है तो एक बार जरूर जाकर चेक करो, मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करो, यहाँ से लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, डायरेक्ट मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर पूरे फुल सपोर्ट करता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप मेरे लिंक थ्रू लेते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दो।